अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोग का वो जो पहले वाले लोग हैं वो थोड़ा लेट हो गए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार गांव में बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को तो पता होगा कि ईद में कितनी मसरूफियत होती है, तो वो इंशाल्लाह दूसरे दिन 7 बजे तक इंशाल्लाह पब्लिक हो जाएगा, तो वो उसमें यार अपना प्यार दिखा लेना। और इसी के साथ साथ आज हम आए हैं नाना के घर, और इधर कुछ प्रोग्राम है, मतलब नाना ने अरेंज किया है कि गांव के लोगों के लिए भी, और उसी के साथ साथ हमारा जो अपना गैदरिंग फैमिली है तो उन लोगों के लिए सब के लिए अरेंज किया है, तो वो भी दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ एक हमारा जो छोटा नन्ना सा, मैंने कल मामू का बेटा जो दिखाया था उसकी फर्स्ट सालगिरह है, तो उसके भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ उसका डेकोरेशन भी दिखाऊंगा, और सब चीज़ें इंशाल्लाह व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो एंड तक देखना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार फाइनली आ चुके हैं घर, और थोड़ा सा मतलब सामान वगैरह लेकर आ गए, और उसके बाद मैंने जिस तरह कहा था कि मेरे मामू का बेटा फाइनली 1 ईयर का हो गया है ना, तो उसका सालगिरह भी है, तो उसकी प्रिपरेशन और तैयारी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भाई भी अपने काम में मसरूफ़ है, और इसी के साथ साथ आप लोगों को डेकोरेशन भी दिखाएंगे कि हम किस तरह डेकोरेशन कर रहे हैं। मैं स्लोली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर मेहमान भी आए हैं बहुत ज़्यादा, तो बस फिर जब डेकोरेशन करेंगे वो भी दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ हम जो भी काम करेंगे, मतलब मेहमान भी आएंगे उसी के साथ मिलेंगे, और आज कुछ पॉलिटिशियन वाले लोग भी आएंगे तो उनसे भी मिलवाएंगे। अगर कोई सवाबी वगैरह इस जगह से मुझे देख रहा है तो वो जानता होगा कि हम किस से आज आपको मिलवाएंगे, लेकिन उसका नाम भी खैर मैं फिर बता दूंगा बाद में। तो जब प्रिपरेशन होगी फिर वो वाले सीन दिखा दूंगा। तो गाइज मेहमान भी आ गए हैं, तो मेहमानों से भी मिलते हैं, तो ईदी भी लेते हैं, आज सबसे ईदी कलेक्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, बस नहीं गिनते। तो जो प्रोग्राम है उसका आगाज हो चुका है। ये चावल है इधर, ये देखो चावल, और ये अभी हम बैठ गए खाने के लिए फाइनली, मतलब मेहमान तो बहुत आए हैं, लेकिन चीज़ें हैं। ये मेरा एक और कज़न है दिलता नबी उखल दिलता पकेरा, खाना वगैरह के बाद आपसे फिर मिलते हैं। तो यार खाना वगैरह खा लिए, उसके बाद हम जा रहे हैं अभी हुजरा, जो मतलब जहाँ मेहमान बैठे हैं ना बड़े बड़े, तो उनसे भी आपको मिलवाता हूँ कि क्या सीन है उधर, तो जाते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। हाय, अस्सलाम वालेकुम। मजा है दासो बना चले का असि जानो अलग काल दे देता जेबू जेबू। आओ अनवर के सही घर आ जाए। ये भी नाना कह रहे के पिक्चर क्लिक करते तो उनके साथ ही जाते क्या होता। बहुत गुस्से वाले, बहुत गुस्से वाले। सही सही ना बच्ची माले मोबाइल में मार।
वीडियो वाले जोड़ा तो यार ये आ चुके हैं अभी हम मार्केट, और मार्केट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और देखते हैं ना क्या क्या मिलते हैं इधर। सब कुछ यहाँ पर कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, कुलची भी मिलते हैं। सलाम पर क्यों का सलाम ये कहाँ से सलाम ये हलाम ये क्या है कुछ ना कुछ लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ले लो ए कुछ ना कुछ रवा लेकर नहीं है ना क्या कहना है ये छुपा रहे छुपा के ले जा रहे हैं ओ शाबा कहना ना देर हो रहा है शाबा उठा लो सब कुछ खर्चे करो तू कुछ कहेगा या नहीं कहेगा हाँ। अपने लिए ले लो अपने अपने लिए ले लो तो क्या क्या लिए इन लोगों ने ये सब किसने लिए पता है आप लोगों को वन एंड ओनली इसने ये इसने लिए ये देखे लगा हाँ सही देखा। तो यार फाइनली सब कुछ हो गया है जो मंगवाया था वो सब कर लिया है और अब सोने का टाइम भी हो गया, बहुत रात होगी, बस गपशप लगाते हैं ये सब बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा शुगर वगैरह लगाते हैं ना, जब कजन्स गैदरिंग होती है आप लोगों को पता होता है फिर गपशप भी लगती है, अच्छी अच्छी सी गैदरिंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।